सर जून के महीने में बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों की तरफ से क्लैश देखने को मिलने वाला है, जवान और आदि पुरुष। क्या लगता है दोनों फिल्में चलेंगी? हाँ जी देखिए, मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि दोनों ही फिल्में अच्छी चलें। जवान का तो देखिए आप भूल ही जाओ कि वो फिल्म किसी भी हालत में रुकने वाली है, वो तो खतरनाक चलेगी, बॉक्स ऑफिस पूरा उड़ा के चली जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा पठान ने रिकॉर्ड बना, तो जवान पठान से खतरनाक फिल्म होने वाली है, तो वो तो आग लगाने को तैयार। आदि पुरुष का लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं सभी को डाउट है, क्योंकि देखिए आदि पुरुष जवान के दो हफ्ते बाद आ रही है। एक तो पहले होती तो फिर भी एक था कि चलो मौका था, फिल्म चल जाती, लेकिन जवान को जो लोग सोच के बैठे हैं कि इस तरह की फिल्म में जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उस फिल्म से, उसी तरह की वो फिल्म निकलती है तो आग लगा देगी पूरी तरीके से। आदि पुरुष के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक तो देखिए आदि पुरुष की मुश्किलें वैसे ही बड़ी हुई हैं, क्योंकि देखिए पहले आपको याद हो तो जनवरी में फिल्म आ रही थी, मेरे ख्याल से 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। सब वेट कर रहे थे उस फिल्म का कि भैया इतने बड़े बजट की फिल्म है, 500 करोड़ की है, प्रभास श्रीराम बने, वो सभी एक्साइटेड, मैं भी एक्साइटेड था उस फिल्म के लिए। लेकिन टीज़र आने के बाद जो कबाड़ा किया उन्होंने उस वक्त, देखिए फिर वो रावण वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन चला कि रावण देखिए कितने साल पहले आई थी और उसके VFX से लाख गुना ज़्यादा अच्छे थे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉलिंग हुई आदि पुरुष की, लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हुए, तो उसके बाद देखिए पोस्टपोन कर दिया गया। कभी सुनने में आया 2024 में आएगी, फिर मेकर्स की तरफ से भी बीच में स्टेटमेंट आया था कि नहीं 16 जून को रिलीज़ की जाएगी फिल्म। तो अब देखना दिलचस्प, सुनने में आ रहा भी नया उसका टीज़र देखने को मिलेगा आदि पुरुष का, तो ऑडियंस के बीच। लेकिन देखिए पहले जो हाइप थी आदि पुरुष को लेकर वो तो अब बिल्कुल भी नहीं। अब टीजर वगैरह यदि अच्छा आता है और लोगों को फिर से एक्साइटमेंट बनती है तो भले ही चांस है कि आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर चल जाए। खैर मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा टीजर आए, लोगों को पसंद आए और आदि पुरुष भी चले और जवान भी चले, दोनों फिल्में शानदार कमाई करें।